कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ दैनिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे 11 अगस्त के बारे में। दिन है मंगलवार, माह है भाद्रपद, पक्ष है कृष्ण, तिथि है सप्तमी, अभिजीत मुहूर्त आज है 11:59 से 12:52 तक, राहु काल चलेगा शाम के 3:44 से 5:24 तक और दिशाशूल है उत्तर दिशा में। दोस्तों, कल है जन्माष्टमी का त्यौहार, यानी कल लोग जो है जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे। लोग आज से ही पूजा की तैयारियों में जुट गए हैं, यानी बहुत सारी खरीदारियां करनी होती हैं, जो है बाल गोपाल को सजाने से लेके प्रसाद से लेके बहुत सारी तैयारियां होती हैं। बहुत अच्छे ही भव्य स्तर पर जन्माष्टमी का त्यौहार हर इंसान मनाता है। आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि पूजा के दौरान वो क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर करनी है जो लोग व्रत रखते हैं। आगे हम आपको इस वीडियो के अंत तक में बताएंगे। फिलहाल हम जो आपको बताते आ रहे हैं, जो हमारा क्रम चल रहा है कि राहु क्या फल देता है कुंडली के जब जिस किस भाव में होता है। तो कल हमने आपको बताया था कुंडली के नवम भाव में जब राहु होता है तो कैसा फल देता है। आज बारी है दसवें भाव की, यानी दशम भाव की। चलिए जानते हैं सबसे पहले राहु दशम भाव में कैसा फल देता है। दशम भाव में स्थित राहु जो है व्यक्ति को बलवान और निडर बनाता है, बुद्धिमान, परोपकारी और कुछ हद तक चिंता युक्त बनाता है। यदि आप जो है कह सकते हैं कि आपके अंदर बहुत आपका गर्वीला स्वभाव है, गर्व वाला स्वभाव है, तो यहाँ स्थित राहु धीरे धीरे आपके भीतर घमंड को दूर करवाता है, यानी आप जो घमंड वाला एक आपका नेचर हो जाता है उसको दूर करता है। काव्य में, कविताओं में जो है जब दसवें भाव में राहु बैठा होता है तो रुचि जागती है इंसान की, अच्छा लेखक हो सकता है, संपादक हो सकता है और अपने पूरे जीवन काल में सफलता, सम्मान, कीर्ति और श्रेष्ठता प्राप्त करते रहता है ऐसा व्यक्ति जिसके दशम भाव में राहु बैठा हो। लोक समूह, गांव नगर के अधिकारी ऐसे लोग हो सकते हैं। राहु जो है आपको मंत्री या सेनापति भी बनाता है, गंगा स्नान का लाभ देता है, यज्ञ कार्य भी जो है कर सकते हैं। जो जिसके दसवें भाव में राहु होता है वो शत्रुओं का नाश करने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे लोगों के शत्रु जो है कम मात्रा में होते हैं, ज़्यादा शत्रु नहीं होते हैं, जो है पुत्र जो है संतान के रूप में पुत्र की संख्या कम होती है, व्यापार में निपुण होते हैं, यात्रा करने वाले व्यक्ति होते हैं, अदालती काम में लोगों को विजय मिलती है। लेकिन यहाँ स्थित जो दसवें भाव में राहु है वो पूर्व अवस्था में कष्ट देता है। पूर्व अवस्था में कष्ट भोगकर आप प्रगति करते हैं, आपको आलसी, उत्साहीन बनने से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को काम को नियमित रूप से आपको करना चाहिए, व्यर्थ के घमंड और नशे से बचना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं ये उन लोगों को ध्यान में रखना है जिनकी कुंडली के दसवें भाव में राहु बैठा है। ये जानकारी हो गई आपको राहु से जुड़ी हुई, क्योंकि हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा गोचर होने वाला है राहु का, तो इसीलिए हम आपको राहु के बारे में जानकारियां दे रहे हैं। अब बारी आज के राशिफल की, चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। मेष राशि की बात करेंगे, दूसरों की इच्छाएं आपकी अपनी ख्याल रखने की इच्छा से टकराएगी। आप अपने जज्बातों को बांधे नहीं और वे काम करें जिससे आपको सुकून मिले। दूसरों का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी चीज़ों को दरकिनार कर देना ये गलत बात है। इसीलिए आप अपने आप का भी ध्यान रखें। बिना किसी की मदद के आज आप धन कमा पाने में सक्षम हो सकते हैं, बस आपको खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत है और साथ ही अपने टैलेंट की, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। घर के माहौल से आज उदास होने वाले हैं, घर में तनावपूर्ण माहौल आज हो सकता है। आज आप ऐसे इंसान से भी मिल सकते हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा चाहता होगा, यानी आपका वो इंसान आपकी ज़िंदगी का जो सबसे ज़्यादा आपको प्रेम करता है। जो लोग जॉब करते हैं, सहकर्मी और वरिष्ठों से आज आपको सहयोग मिलेगा और ये चीज़ आपके उत्साह में, कार्यस्थल में इजाफा करेगा। कोई आध्यात्मिक गुरु या बड़ा आपकी सहायता कर सकता है आज, थोड़ी सी कोशिश करें तो यह दिन जो है आपके वैवाहिक जीवन के विशेष दिनों में से एक हो सकता है। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। अपने प्रियतम को, अपने जीवन साथी को समझने की कोशिश करें। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी। उपाय के तौर पर मिट्टी का खाली घड़ा ढक्कन सहित जो है बहते जल में प्रवाहित कर दें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी जो है वृषभ राशि के जातकों की। आज जो है आपका जो दान पुण्य करने वाला है व्यवहार, दानशीलता का व्यवहार है, ये आपके लिए आशीर्वाद की तरह सिद्ध होगा, क्योंकि ये जो आपकी अच्छाई है ये आपको शक से, अनास्था से, लालच से, ऐसी बुराइयों से, खराबियों से बचाएगा और आप लोगों की नज़र में अच्छे बनेंगे। जो लोग अब तक पैसे को बिना सोचे समझे उड़ा रहे थे, आज उन्हें पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ सकती है और आपको समझ में आ सकता है कि लाइफ में पैसे की कितनी इंपॉर्टेंस है। इसीलिए जो भी आप जब भी खर्चा करते हैं तो ये सोच के करें
कि ये जो आप फिजूल खर्चे कर रहे हैं, जायज जगह पे पैसा खर्च करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फिजूल खर्चे कर रहे हैं तो उस टाइम अपने आप को रोके, हर दिन शाम को अपने या रात को जब आप अपने बिस्तर पर लेटे तो ये सोचे कि आज आपने अपनी पूरी जिंदगी में क्या किया है, पूरे दिन में क्या किया है, कौन सी वो चीज़ें हैं जो सुधारनी है, कौन सी चीज़ें हैं जो वो कल से नहीं करनी है। ये दैनिक राशिफल बताने का हमारा मुख्य कारण भी यही होता है कि आप अपने दिन को बेहतर तरीके से प्लान कर सकें। आज किसी धार्मिक स्थल या संबंधी से मिलने की संभावना है, धार्मिक स्थल पर जाने की संभावना है। लव लाइफ की बात करें तो बेपनाह प्यार आपके प्रिय के लिए बेहद कीमती होगा, यानी आज लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। ऑफिस की बात करें तो आज कंपटीशन के चलते कामकाज की अधिकता रहेगी और ये आपको बहुत थकाएगी। टैक्स और बीमे से जुड़े विषयों पर गौर करने की आपको ज़रूरत है, यानी जो लोग जो है टैक्स वगैरह पे करते हैं या जिन्होंने कोई पहले से बीमा करा रखा है, थोड़ा सा उस पर ध्यान दें, ऐसा नहीं कि आप उस चीज़ को करके भूल जाएं, थोड़ा सा उस पर भी आपको गौर करने की ज़रूरत है। जीवन साथी के चलते आप महसूस करेंगे कि स्वर्ग जो है धरती पर ही है, आज इतनी अच्छी होगी आपकी मैरिड लाइफ, आपका पार्टनर आपको समझेगा। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग है आपके लिए केसरिया और पीला। उपाय के तौर पर क्या करना है, सूर्योदय जो है के समय सूर्यदेव को प्रातः लाल फूल अर्पित करें। भाग्यस्थान के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। आज के दिन आपके चेहरे पर मुस्कान बिखरी रहेगी और अजनबी भी जाने पहचाने से महसूस करेंगे आपको होंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तबीयत सही रहेगी और साथ ही मन आपका खुश रहेगा। हो सकता है पैसों के मामले में आज पर्याप्त धन ना हो तो आप किसी घर के बड़े से धन संचित करने की सलाह ले सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे हम हर स्टेज पे कुछ सीखते हैं, हर दिन कुछ सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एकदम जो है परिपूर्ण है, निपुण है हर चीज़ में, ऐसा नहीं होता है, हम हर दिन कुछ सीखते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से आप सेविंग्स करें तो अपने घर से के बड़े से आज सलाह मशवरा कर सकते हैं। मैरिड लाइफ की बात करें तो जीवन साथी आपकी सहायता करेगा और मददगार साबित होगा। वहीं बात करें आपके लव लाइफ की तो अपने लव पार्टनर की गैर जरूरी भावनात्मक मांगों के सामने आज घुटने बिल्कुल भी ना टेकें। अगर आपको लगता है कि उनकी मांगे जो है जायज नहीं है तो बिल्कुल भी उनकी किसी भी मांग को हाँ ना भरें, हामी ना भरें, क्योंकि इससे क्या होगा, एक बार अगर आप उनको गलत चीज़ के लिए उनकी गलत चीज़ों में हाँ में हाँ मिला देते हैं तो दूसरी बार वो फिर उसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन आपसे रखेंगे और ये आपके लिए गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि मांग जायज़ है तो पूरी करें, ना जायज़ है अगर नहीं पूरी करने लायक है तो उन्हें सामने से मना करें, समझा बुझा के प्यार से मना कर दें। जॉब करने वाले लोग ध्यान से सुने, दफ्तर में आपको आज पता लग सकता है कि जिसे आप अपना दुश्मन समझते थे वो दरअसल जो है आपका शुभ चिंतक है। कई बार ऐसा होता है हम हर इंसान को पहली नज़र में या हम हर इंसान को ऐसे ही जज कर लेते हैं, लेकिन हमें तब पता चलता है कि वो इंसान हमारे लिए कैसा है जब हम किसी बुरी परिस्थिति में होते हैं, किसी गलत परिस्थिति में फंसे होते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो इंसान हमारे लिए आखिर सोचता क्या है। तो ऐसा ही कोई इंसान आज आपको कार्यालय में बिजनेस में पता लगेगा जिसको आप पहले अच्छा नहीं समझते थे और आज आपके लिए उसकी अच्छी सोच दिखेगी। खाली समय में आज आप अपना पसंदीदा काम करना पसंद करेंगे। आप जो भी है आप कुछ ऐसे शख्स की वजह से आज आपका ये जो आपकी सोच है, आपका काम करने की जो आपकी चाह है वो नहीं हो पाएगी। कोई ऐसा शख्स आ जाएगा घर में जिसकी वजह से आपका प्लान चौपट हो जाएगा और आप अपने मन की जो काम करना चाहते थे वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हर दिन एक जैसा नहीं होता। आज अगर कोई आया है तो ये उनका भाग्य है, ये आपका भाग्य है, इसे एक्सेप्ट करें और उनके साथ अच्छे से व्यवहार करें। मैरिड लोग ध्यान से सुने, जीवन साथी की वजह से आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है उनकी बातें, उनकी हरकतें किसी भी तरीके से आपको मानसिक तौर पर तनाव दे सकती हैं। शुभ रंग क्या है आपके लिए, नारंगी और सुनहरा। शुभ अंक क्या है 1 और उपाय क्या करना है आपको, तले हुए काले चने गरीबों में बांटे। थोड़ा सा अजीब है लेकिन ये उपाय बहुत कारगर होगा, प्रेम संबंधों में इससे वृद्धि होगी, प्यार बहुत बढ़ेगा। गरीबों को काले चने या काली चीज आप दान कर सकते हैं, ये उपाय आपको करना चाहिए। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। आज के रोज जो भावुक मिजाज आप पे छाया हुआ है उससे निकलने के लिए बीती बातों को दिल से निकाल दीजिए। जब आप किसी चीज़ को होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, पुरानी बातों को याद करते रहते हैं तो आपको दुख होता है। सामने वाला तो बोल कर निकल गया, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अगर उसी चीज़ को सोचते रहेंगे तो इससे आपका हर दिन जो है एनर्जी भी आपकी वेस्ट होगी, टाइम वेस्ट होगा, मूड खराब होगा। तो जो बातें आपको पसंद नहीं आती किसी की, या जो बातें आपको हर्ट करने के लिए बोली गई हैं, जो किसी की हरकत आपको हर्ट करने के लिए जो चीज़ की गई है उसको अपने दिल से निकालते रहिए। कान एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, यानी बातों को झटक के आगे बढ़ें, नहीं तो आप पुरानी चीज़ों में ही फंसे रह जाएंगे। और आपकी इससे क्या होता है सबसे बुरी चीज़ कि आप जो अपनी तरक्की में आप इस चीज़ बहुत रोड़ा बनता है, बाधा जो है होता है। तो इसीलिए बातों को निकालिए जो
रखने लायक बात उसको रखिए, जो खराब बातें हैं उसको हटा दीजिए। जिन लोगों की अब तक तनख्वाह नहीं आई, वैसे तो सभी लोगों की आ जाती है, लेकिन जिन लोगों की नहीं आई किसी कारणवश, आज वो पैसों के लिए बहुत परेशान रह सकते हैं। या कहीं से जिसको व्यापारी को पैसा आना था, कहीं से फंडिंग आनी थी या कहीं से कुछ पैसा मिलने वाला था, वो आज नहीं आ पाएगा। इसकी वजह से आप बहुत परेशान होंगे और किसी दोस्त या करीबी से उधार मांग सकते हैं आप आज, यानी पैसों के लिए आपको किसी के पास जाना पड़ेगा। दोपहर के बाद किसी पुराने दोस्त से मुलाकात दिन को खूबसूरत बना देगी, या किसी करीबी से मिल सकते हैं, किसी रिश्तेदार से मिल सकते हैं, और ये दोपहर का जो समय होगा, दिन से और शाम के बीच का जो समय है, वो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। आप अपने सुनहरे दिनों को याद करके आज पुरानी यादों में डूब जाएंगे। कुछ ऐसा होगा आपके साथ कि आप बीती बातों को याद करेंगे। आज हो सकता है कि पहली नजर में कुछ लोगों को कोई पसंद कर ले, यानी कि जो लोग सिंगल हैं या जो लोग शादी के लिए जो है लड़का या लड़की देख रहे हैं, वो आज कोई पसंद कर सकता है। रिश्ते में कोई आपके आज नया जोड़ सकता है। आज का दिन बढ़िया प्रदर्शन और खास कामों को करने के लिए है, इसीलिए अपना जो है 100% दें। कभी भी कोई काम अगर आप हाथ में लेते हैं तो उस काम में अपना 100% देते हैं, भले ही वो काम आपके लिए जो है आपको सही मन से दी गई या नहीं दी गई, लेकिन आप अपने काम में 100% ज़रूर दें। इससे आपके जो है अंदर के काम करने की चाह, आपका जो है आपकी पूरी डेडिकेशन दिखती है और आपको उसमें ज़रूर अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। गपबाजी और अफवाहों से आज इस राशि के लोगों को दूर रहना है। ये आपका समय, एनर्जी और आपकी जो कैरेक्टर है, ये सब चीज़ें खराब करेगा, तो इसीलिए इन चीज़ों से दूर रहें। ध्यान से जो है आपको पहले बता दिया कि आज ये आपके लिए सही नहीं है। वैवाहिक जीवन के लिए आज अच्छा दिन है, यानी कि मैरिड लोग जो है उनके लिए अच्छा दिन है। जीवन साथी को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, एक्सप्रेशन को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते रहने से रिश्ते में और भी मजबूती आती है। शुभ अंक 4, शुभ रंग है आपके लिए भूरा और सलेटी। उपाय के तौर पर तांबे का सिक्का या टुकड़ा, कुछ भी तांबे का, जेब में रख लें, आज दिन अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। किस्मत के भरोसे ना बैठे और अपनी सेहत को सुधारने के लिए खुद मेहनत करें, क्योंकि हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं होने वाला, सोचते रहने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप कहते हैं हम जो काम करेंगे नहीं, उसका फल कैसे मिलेगा, सोचते रहने से फल नहीं मिलता है। तो इसीलिए अगर सेहत सुधारना चाहते हैं तो योग करें, एक्सरसाइज करें, सब चीज़ों को करके अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, थोड़ी सी मेहनत करें, फिर देखेंगे कैसा बदलाव आता है जीवन में। वक्त आ गया है कि वजन को भी काबू में रखें और स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम का सहारा लें। तो जिन लोगों का वजन बढ़ रहा है वो ध्यान रखें, आने वाला समय खतरनाक हो सकता है, बढ़ता वजन आपको बीमारियों की तरफ धकेल सकता है। धन का आगमन आज आपको कई आर्थिक परेशानियों से दूर कर सकता है। सही समय पर आपकी सहायता किसी को बड़ी परेशानी से आज बचा सकती है। निजी मसले नियंत्रण में रहेंगे। किसी साझेदारी वाले व्यवसाय में जाने से बचें, क्योंकि मुमकिन है भागीदार आपका बेवजह फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसीलिए पार्टनरशिप में बिजनेस आज नहीं करना है, या अगर करने की सोच रहे हैं तो वो भी नहीं करना है। मन को काबू में रखना सीखें, क्योंकि कई बार आप मन की मानकर जो है अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। यानी कभी कभी ऐसा करते हैं हमारे मन की, मन कह रहा है ये काम कर लेते हैं, मन कह रहा है ये काम कर लेते हैं, लेकिन मन जो है गलत भी कहता है। तो मन का कहना अच्छा है या बुरा, ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है। हम अपनी सोच के द्वारा ये देख सकते हैं कि जो दिल कह रहा है बातें, दिल और दिमाग कहते हैं, सही कनेक्शन बनाना इससे बहुत ज़रूरी होता है। दोनों के बीच में तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी होता है। दिल बहुत सारी चीज़ें कहता है, लेकिन दिमाग से सोचने के बाद ही कोई भी काम करना चाहिए। और आज ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि मन की मानकर आप समय बर्बाद कर सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखें। आज आपको जीवन साथी का दैवीय पक्ष भी देखने को मिलेगा। हो सकता है जीवन साथी की कोई बोली सही हो जाए, उनका कुछ टोकना सही हो जाए, या कुछ आपको ऐसा लगेगा कि जीवन साथी बहुत ही गुड लक के चार्म की तरह है आपके लिए, आज आपके जीवन में आपको फील होगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया और पीला। उपाय के तौर पर पानी में हल्दी मिलाकर उससे स्नान कर लें आज। नौकरी और बिजनेस में तो तरक्की होगी ही, दिन भी अच्छा बना रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। अवसाद के खिलाफ यानी डिप्रेशन के खिलाफ आपकी मुस्कान परेशानी से उबारने वाली रहेगी। अभी जो टाइम चल रहा है, बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हैं। हर दिन खबर आती है कि कहीं कोई सुसाइड कर ले रहा है, कहीं कोई अपनी परेशानियों से हार मान ले रहा है। ये सब रीज़न क्यों हो रहा है, क्योंकि इंसान अपने परेशानियों को बहुत ज़्यादा बड़ा समझ लेता है। लेकिन आप इतना ज़रूर याद रखें कि कोई भी अगर आपके जीवन में परेशानी है तो उसका हल आपके पास है, ये भूले मत। भले ही वो 2 दिन के लिए परेशानी आपको बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन इतना याद रखें कि हर एक समस्या का समाधान आपके अंदर छुपा है, आपके दिमाग में छुपा है। बस आपको शांति से बैठकर सोचने की ज़रूरत है। कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती कि आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लें, आप उससे अपनी ज़िंदगी को प्रभावित कर लें। आज ये चीज़ आप समझेंगे और आप खुश रहने की कोशिश करेंगे, अपने डिप्रेशन से, अपनी परेशानियों से बाहर निकलने के लिए हंसेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो आपको पसंद है।
आज इस राशि के कुछ लोगों को संतान की तरफ से आर्थिक लाभ होने की जो है संभावना है। हो सकता है कि संतान की वजह से पैसे कमाने का आपको मौका मिले। संतान पर गर्व भी महसूस होगा। घर पर आज पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर पर कोशिश करें कि कोई आपकी वजह से आज आहत ना हो। परिवार की ज़रूरतों के मुताबिक खुद को ढालें, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें सबको लेकर चलना होता है। जब एक परिवार में रह रहे होते हैं और परिवार के बिना हम अधूरे हैं, तो इसीलिए परिवार को साथ लेकर चलना सीखें। अगर परिवार के किसी सदस्य को आपकी मदद की ज़रूरत है, आपसे किसी चाह वो कुछ जो है उम्मीद रखते हैं, तो उनकी उम्मीद को पूरा करें और उनसे जो है बातें करते हैं तो प्यार से बातें करें। ऐसा ना कि आप बहुत हार्श वे में बातें करें, बहुत ही रूडली बातें करें। उनको टाइम दें, उनको इंपॉर्टेंस दें, उनके साथ खड़े रहें, फिर देखेंगे कि आप कितने अंदर से स्ट्रांग फील होंगे। क्योंकि कहते हैं जब परिवार साथ होता है तो इंसान के अंदर दुनिया के हर प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत अपने आप आ जाती है। दूसरों की दखल अंदाजी गतिरोध पैदा कर सकती है, इसीलिए दूसरों को आज अपने काम में इंटरफेयर ना करने दें। ऑफिस जो लोग जाते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, सहकर्मियों और वरिष्ठों के सहयोग से दफ्तर का काम तो तेज़ रफ्तार पकड़ेगा ही, आज बिजनेस में लोगों का भी काम सही चलेगा। छात्रों के दिमाग में आज प्यार का बुखार छा सकता है और उस वजह से आप काफ़ी समय बर्बाद कर सकते हैं। उम्र ही ऐसी होती है, लेकिन उम्र ये भी है कि आप अपने जीवन को बनाएं, आप अपने भविष्य के बारे में सोचें, तो इसीलिए अच्छा बुरा सब कुछ आप ही पर डिपेंड करता है। आज दिमाग को रोकें। प्यार बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन एक उम्र पे ये चीज़ें सही होती हैं। अभी आपके लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर पर ध्यान दें। और आज का दिन बर्बाद हो सकता है, तो हम आपको पहले ही आगाह कर रहे हैं इस राशि के स्टूडेंट्स को, ध्यान रखें इस बात का। जीवन साथी का वह रुख देखने को आज मिलने वाला है मैरिड लोगों को, जो उतना अच्छा नहीं है। हो सकता है वो आपसे कड़वी बातें करें या आपको इग्नोर करें या आपकी चीज़ों पर ध्यान ना दें, लेकिन कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ज़रूर आपने भी कुछ किया होगा। तो चीज़ों को बैठ के समझने की कोशिश करें और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। उपाय के तौर पर आज जो है किसी करीबी को सीप, मोती या शंख से बनी हुई वस्तु भेंट करें, इससे जो है आपका प्रेम संबंध और जो संबंध है वो अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी तुला राशि के जातकों की। सेहत पर गौर करने की ज़रूरत है आपको। आज सेहत ख़राब हो सकती है, पहले ही आपको आगाह कर रहे हैं। इस राशि के कुछ लोगों को आज ज़मीन से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर धन खर्च करना पड़ सकता है, यानी जिन लोगों का प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम चल रहा है उस पर पैसा खर्च होने वाला है। ऐसी जानकारी आज कहीं भी किसी को ना बता दें जो व्यक्तिगत हो, गोपनीय हो, नहीं तो उसके बाहर लीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप किसी पर ट्रस्ट करके बताएंगे, लेकिन क्या पता वो इंसान किसी और को बता दे। तो आज के दिन कोई भी बातें शेयर नहीं करनी है। जो लवर्स हैं हमारी इस राशि के, उनकी बात करें तो आप अपने प्रेमी के साथ अगर कहीं बाहर जा रहे हैं या कहीं उनसे मिलने जा रहे हैं, तो जो पहन रहे हैं और जो बोल रहे हैं वो सोच समझ कर करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा असर आज पड़ने वाला है। हो सकता है प्रेमी नाराज़ हो जाए आपकी गलती से, उनको नाराज़ ना करें, नहीं तो इसका तनाव आपको भी होगा। आप में बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता है, इसीलिए अपने रास्ते में आने वाले सभी मौक़ों को झट से दबोच लें। आप हर कार्य कर सकते हैं, आपके अंदर इतना टैलेंट है, बस उसको समझने की ज़रूरत है। आज इस चीज़ को जो है थोड़ा सा आप अपने इस काम पे, आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि किस तरीके से आप अपने टैलेंट को बाहर निकाल सकते हैं। घर के जो छोटे सदस्य हैं उनके साथ गप्पे लगाकर आज आपको खाली समय का आप जो है अच्छा इस्तेमाल करेंगे। बच्चे आज आपके लिए औषधि की तरह काम करेंगे, मेडिसिन की तरह काम करेंगे और आपकी परेशानियों से आपको दूर रखेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं आज अपने जीवन साथी का खास ध्यान रखें, क्योंकि इनकी सेहत ख़राब हो सकती है और इसका असर जो है आपके कामकाज पर भी पड़ सकता है। लेकिन आप इतने जो है कह सकते हैं कि मल्टीटास्क करें कि आप चीज़ों को संभालने में कामयाब तो रहेंगे, लेकिन फिर भी जीवन साथी का सेहत जो है आज आपके लिए आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, उन पर ध्यान रखें। चलिए शुभ अंक जान लेते हैं। 4 है, शुभ रंग है आपके लिए भूरा और सलेटी। उपाय के तौर पर फूल के गमले जो होते हैं उसमें काले सफ़ेद मार्बल के दाने या काले सफ़ेद पत्थर रख दें, इससे जीवन में खुशियाँ आएंगी, परेशानियाँ दूर होंगी, आज का दिन अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। आज आपके पास अपनी सेहत और लुक से जुड़ी चीज़ों को सुधारने के लिए पर्याप्त समय होगा, तो ध्यान रखें। और जो है अपनी सेहत को, लुक्स को, कहते हैं जब हम अच्छे रहते हैं मन से बाहर से, तो हमें हर चीज़ अच्छी लगती है, तो इसीलिए सेहत पे बहुत ध्यान देना है और साथ ही साथ अपनी पर्सनालिटी को भी निखारने की कोशिश करें। यह बात भली भांति समझ लें इस राशि के लोग कि दुख की घड़ी में आपका संचित धन ही आपके काम आएगा, इसीलिए आज के दिन पैसे को सेव करने का विचार बनाएं, ना कि उड़ाने का। बच्चे भले ही आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हों, लेकिन साथ ही खुशियों की वजह भी साबित होते हैं। आज उनके साथ समय बिता के आपको अच्छा फील होगा। प्रेम प्रसंग के बारे में, अपने लव लाइफ के बारे में इधर उधर बातें ना करें, नहीं तो लोग जो है आज इस चीज़ को गलत ले जाएंगे, या हो सकता है किसी तीसरे की वजह से आपके और आपके प्रेमी के बीच जो है थोड़ा मतभेद भी हो जाए। अपना बायोडाटा भेजने या किसी इंटरव्यू में जाने के लिए अच्छा दिन है। जो लोग कहीं जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं आज आप ये कोशिश कर सकते हैं, आपके लिए दिन अच्छा है, शुभ है।
अपने व्यक्तित्व और रंग रूप को बेहतर बनाने की कोशिश जो आज आपकी है वो संतोषजनक साबित होगी। चीजें आपकी इच्छा के मुताबिक आज नहीं चलेंगी, लेकिन अपने हमदम के साथ अच्छा समय गुजारेंगे आप, मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी। उपाय के तौर पर गंगा जल को नहाने वाले पानी में मिलाकर स्नान करें। पैसों की स्थिति जो है वो अच्छी होगी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है धनु राशि के जातकों की। मनोवैज्ञानिक डर आपको बेचैन कर सकता है। सकारात्मक सोच और हालात के उजले पहलू को देखना आपको इससे बचा सकता है, तो इसीलिए पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव चीजें पढ़ें, पॉजिटिव चीजें सुने। इसी दिमाग में जब पॉजिटिविटी रहेगी तो हर काम अच्छे से होगा। जरूरत से ज्यादा आज खर्चा करने से बचना है आपको, और कोई भी ऐसी जगह पे जहां पे लगता है आपको कि रिस्क है पैसे लगाने में, वहां पे आज पैसा ना लगाएं। एक निजी रिश्तेदार आपको जो है अपना ध्यान आपकी तरफ खींचेगा, वो मददगार होगा आपके लिए, ख्याल रखने वाला होगा, और उसके साथ समय बिताकर आप अपनी परेशानियों के बारे में उससे डिस्कस करेंगे और दिन अच्छा बीतेगा। आपको अपनी हार से कुछ सबक सीखने की भी ज़रूरत है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब इंसान हारता है तो निराश हो जाता है। नहीं, निराश नहीं होना है, आपको सबक सीखना है। क्यों हार गए आप, क्या कमी थी, उस पर काम कीजिए। क्योंकि आज जो है आप अपने दिल की बात जाहिर करेंगे किसी से। ये लव लाइफ की तरफ हम जा रहे हैं कि अगर किसी को आप प्रपोज करते हैं, किसी को अपने दिल की बात जाहिर करते हैं, तो वो हो सकता है कि ना आ जाए, उधर से नुकसान हो सकता है। तो आज ऐसा पहली बात कि आप तो आज किसी से अपनी फीलिंग शेयर ना करें, और दूसरी चीज़ कि अगर कहीं हारते हैं, कहीं आपको मन के लायक चीज़ें नहीं होती है, तो जो है निराश मत होइए, फिर से मेहनत कीजिए, वो चीज़ होगी ज़रूर। कहते हैं चाहे वो मेहनत सच्ची हो तो आपको जो है मुकाम ज़रूर मिलता है, प्यार सच्चा हो तो रिश्ता ज़रूर बनता है। हर चीज़ में आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी ही आपको आगे लेके जाती है। ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो स्थायित्व हैं, स्थापित हैं कहीं पे, और भविष्य के रुझानों को समझने में आपकी मदद कर सकते हैं। यानी आपको वेल एस्टेब्लिश्ड लोगों के साथ आज जुड़ना चाहिए। ऐसे लोग जिन्हें अच्छी समझ है, जो भविष्य के बारे में बहुत जानते हैं, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उनसे बातें करें, आज दिन अच्छा बीतेगा। जब आपसे राय पूछी जाए तो संकोच ना करें, क्योंकि इसके लिए आपकी काफ़ी तारीफ होगी। कार्यक्षेत्र में जब आप कोई अपनी ओपिनियन रखते हैं, ओपिनियन रखने से डरना नहीं चाहिए। आपकी जो भी थॉट्स हैं हम जरूर रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम लोगों के सामने बोलने से डरते हैं, और ये हमारे अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये कम होता है, तभी ऐसा होता है। कॉन्फिडेंस अपना बूस्टअप करें। आप जो भी आपका ओपिनियन है किसी भी टॉपिक को लेकर, पहले उस पर रिसर्च करें, उसकी पढ़ाई करें। अगर आपको लगता है कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है, तो आप ज़रूर अपने ओपिनियन को लोगों के सामने रखें। आज आपके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, जो भी आप सोचते हो ज़रूर बोलें। जीवन साथी की वजह से आपकी कोई योजना या कार्य गड़बड़ हो सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखें। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफ़ेद। उपाय के तौर पर ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का आज 11 बार उच्चारण करें। हेल्थ अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। अपने मन मौजी और जिद्दी स्वभाव को काबू में रखें, खासतौर पर किसी जलसे या पार्टी में। अगर आप जाते हैं तो मन मौजी ना रहें कहीं, अगर आप लोगों के बीच में जाते हैं तो, क्योंकि ऐसा ना करने पर वहाँ का माहौल तनावग्रस्त हो सकता है। यानी अगर आप अपने जिद्दी स्वभाव को काबू में नहीं रखते हैं या मन मौजी हो जाते हैं कहीं भी, कहीं लोगों के बीच में होते हैं, तो हो सकता है कि आपकी इस हरकत की वजह से, आपकी इस नेचर की वजह से किसी को ये आपकी हरकत पसंद ना आए और वहाँ का माहौल थोड़ा सा टेंशन वाला हो जाए। तो इसीलिए कोशिश करें अपने इस चीज़ पर आज ध्यान देने की। पैसों से जुड़ा मसला आज हल होने वाला है, धन लाभ होने की संभावना है। आज जो है एक दूसरे का नजरिया समझकर व्यक्तिगत समस्याएं पारिवारिक जीवन में सुलझा सकते हैं। इसे औरों के सामने नहीं लाएं, नहीं तो बदनामी हो सकती है, लोग आपके रिश्ते पर सवाल खड़े कर सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो मोहब्बत का सफर प्यारा मगर छोटा होगा। आज आप किसी बड़े व्यवसायिक लेन देन को भी अंजाम दे सकते हैं, और मनोरंजन से जुड़ी किसी बड़ी परियोजना में कई लोगों का संयोजन कर सकते हैं। उन लोगों से मेलजोल बढ़ाने से बचो जिनके साथ आपका वक्त खराब होता है। जीवन साथी के साथ आज का दिन बहुत आरामदायक बीतेगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफ़ेद। उपाय के तौर पर गमलों में काले सफ़ेद मार्बल के दाने रखें। पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। आपका आकर्षक बर्ताव दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। ऐसा लगता है कि आप जानते हैं कि लोग आपसे क्या चाहते हैं, लेकिन आज आप अपने खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने से बचें। अगर कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा खर्चा करें, फिर भी ना करें, जेब पे पहले नज़र रखें। शाम के वक्त कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, और ये फैमिली लाइफ में जो है आपके फैमिली मेम्बर्स के बीच काफ़ी खुशी और उत्साह की वजह साबित होगी। आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे, प्यार आपको एक नए और अनोखे लोक में लेके जाएगा। लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है आज।
साथ ही आज आप एक रोमानी सफर पर भी जा सकते हैं। छोटी यात्रा ही होगी लेकिन अच्छी होगी। आज आप दूसरे दिनों की तुलना में अपने लक्ष्यों को कुछ ज्यादा ही ऊंचा तय कर सकते हैं। अगर परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक ना आए तो निराश ना हो। लक्ष्य को ऊंचा तय करना कोई बुरी बात नहीं है, उसके लिए मेहनत करते रहना ये आपके बस में है, तो आप ये जरूर करें। इस राशि के छात्र छात्राओं को आज के दिन पढ़ाई में मन लगाने में दिक्कतें आ सकती हैं। आज आप अपना कीमती समय दोस्तों के चक्कर में बर्बाद कर सकते हैं। लगता है कि आपका जीवन साथी आज बहुत खुश है, आपको सिर्फ वैवाहिक जीवन से जुड़ी उनकी योजनाओं में मदद करने की जरूरत है। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। उपाय के तौर पर गाय को रोटी खिलाएं, आज इससे नौकरी और बिजनेस में तरक्की होगी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है मीन राशि के जातकों की। आज आपको कोई दिक्कतों और मतभेदों का कुछ सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से झुंझलाहट होगी, बेचैनी होगी। पैसा अचानक आज आपके पास आने वाला है और आपके खर्चों और बिलादी को संभाल लेगा। कोई ऐसा रिश्तेदार जो बहुत दूर रहता है आज आपसे संपर्क कर सकता है, बात कर सकता है और आपको बहुत अच्छा फील होगा उनसे बात करके। आज लव लाइफ में की बात करें तो प्यारी से मुस्कुराहट से अपने प्रेमी का दिन रोशन करें। इस राशि के कारोबारियों को आज कारोबार के सिलसिले में अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है, यह यात्रा आपको मानसिक तनाव दे सकती है। नौकरी पेशा लोगों को आज ऑफिस में इधर उधर की बातें करने से बचना चाहिए। कोई आध्यात्मिक गुरु या बड़ा आपकी सहायता कर सकता है, यह दिन आपके जीवन साथी के रोमानी पहलू को भरपूर तरीके से दिखाएगा। बात करें शुभ अंक की तो वह 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद। उपाय के तौर पर बड़ी स्त्रियां जैसे कि माँ, दादी, नानी या कोई बुजुर्ग महिला, इनका आशीर्वाद ग्रहण करें, आज जरूर आपको जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। तो दोस्तों अभी तक हमने जाना कि आज का दिन कैसा रहेगा। हमने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि जैसा कि कल जन्माष्टमी है तो हम आपको कुछ बताने वाले हैं कि जो लोग व्रत करते हैं या जो लोग, आपको क्या ऐसी चीजें हैं जो कल के दिन करनी चाहिए जिससे आपका दिन अच्छा होगा और बाल गोपाल का आशीर्वाद आपको मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। जन्माष्टमी के दिन अपने पापों को जो है खत्म करने के लिए, पापों के शमन के लिए, अभीष्ट कामना सिद्धि का जो है संकल्प लेकर व्रत धारण करना चाहिए। पापों को दूर करने के लिए जरूर व्रत करें जन्माष्टमी के दिन। सबसे पहले प्रातःकाल तिल को जल में मिलाकर स्नान करने से जो है आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख किया गया है, यानी कि कल आप जब स्नान करें तो अपने जल में थोड़ा सा तिल मिला लें। नहाने के बाद साफ वस्त्र धारण करें, यानी धुले हुए वस्त्र धारण करें और भगवान कृष्ण का ध्यान करके शास्त्रों में उल्लेखित जो 16 विधियाँ हैं उससे भगवान का पूजन अर्चन करना बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। निराहार रहकर भी व्रत करें और पूरे दिन भगवान कृष्ण के नाम का जाप करना चाहिए। रात के समय भगवान के जन्म के समय शंख, घंटा, मृदंग और अन्य वाद्य बजाकर भगवान का जन्मोत्सव मनाना चाहिए, यानी कि पूरा दिन जो है भगवान को समर्पित होना चाहिए। और जन्म के बाद, यानी जब कृष्ण जो है कहते हैं का जन्म हो जाता है, उसके बाद उन्हें धनिया शक्कर की पंजीरी, मक्खन व खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप जन्माष्टमी के दिन करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा व्रत के दूसरे दिन यानी जब आप पारण कर लेंगे तो मंदिरों में ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, जो भी आप जिस भी चीज़ में आप सक्षम हैं वो ज़रूर दान करें। ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जन्माष्टमी से जुड़ी हुई हैं और आपको ज़रूर ये चीज़ें करनी चाहिए अगर आप भगवान जो है बाल गोपाल का आशीर्वाद चाहते हैं। बाकी कल का वीडियो बहुत ही खास होगा हमारा, क्योंकि हम उसमें आपको बताएंगे राशि अनुसार कैसे करनी है आपको बाल गोपाल की पूजा ताकि आप उनका आशीर्वाद अच्छे से पा सकें। तो बहुत ही कल का वीडियो हमारा खास होगा, जन्माष्टमी का वीडियो है, तो ध्यान से जो है आज के वीडियो में हमने आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। अगर अच्छी लगती हैं आपको ये बातें तो ज़रूर इसे लाइक करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हम आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, हमारी जानकारियों से आपका दिन अच्छा बनता है, तो आप ज़रूर लाइक करें। अगर आपको पसंद नहीं आती हैं तो क्यों पसंद नहीं आती इसका कमेंट भी ज़रूर लिख के आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको वजह है जिसकी वजह से हमारे वीडियो में कुछ कमी लग रही है। बाकी जिसको पसंद आती है ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।